आज की क्लास के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पर। ये परीक्षा की दृष्टि से जितने भी मैं क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ, एक प्रकार से देखा जाए तो ये मॉडल पेपर का एक मैं स्वरूप बना के लाया हुआ हूँ, क्वेश्चन पेपर का है। इसमें के जितने भी क्वेश्चन मैं इस लिखित मॉडल पेपर के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें आपका लिखित की परीक्षा होगी, आपका रिटन का एग्जाम होगा, इसलिए सभी विद्यार्थी देखेंगे। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में आपका जो है लिखित की परीक्षा होती है, जैसा कि वीर बहादुर से पूर्व यूनिवर्सिटी हो गई, राजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, सीसीसीयू हो गया, अवध विश्वविद्यालय हो गया, बीपीएससी हो गया, इन सभी यूनिवर्सिटी में जो है लिखित की ही परीक्षा होती है और रिटन का ही एग्जाम होता है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमआर बेस पर पेपर होता है। मैंने आपके जो है ऑब्जेक्टिव पेपर भी मैंने जो है देखा जाए एमसीक्यू क्वेश्चन का भी मैंने प्लेलिस्ट अलग क्रिएट कर दिया है। बीए सेकंड सेमेस्टर एमसीक्यू का प्लेलिस्ट अलग है और बीए सेकंड सेमेस्टर 2024 करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको रिटन के सारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेंगे और एक एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है बीए सेकंड सेमेस्टर के। और जिन भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू का पेपर होता है वे जाकर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में जाकर अपने सारे जो है सब्जेक्ट वॉच कर सकते हैं सभी कोर्सों के। और जिसमें जो लिखित की परीक्षा होगी अपना जाकर बीए सेकंड सेमेस्टर 2024 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आल सब्जेक्ट का जो है मैंने ऑलरेडी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है प्रोवाइड कर रखा है, आप जाकर तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है सभी सब्जेक्ट के लिए। चलिए, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो आज की क्लास में हम जो देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर तो है लेकिन सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल, इसमें आपको पढ़ना रहता है ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल। इसी पे जो है इसी के हम क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के। यदि इसकी बात करें तो सेक्शन ए में कुछ यहाँ से प्रश्न दिए हुए, पेपर आपका तीन खंडों में आपका विभक्त आता है, तो सेक्शन ए में कौन कौन से प्रश्न जो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना इस बार है देख लीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपका पेपर का नाम ही है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल, तो मानव भूगोल क्या होता है ये क्वेश्चन तो 100% आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो मानव भूगोल क्या होता है चलेगा इस पर हम देखते हैं। यदि मानव भूगोल की बात कर ले तो मानव भूगोल जो होता है भूगोल, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर जो है वर्तमान समय तक उसके जो है पर्यावरण के साथ जो उसका संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यही आपका जो होता है मानव भूगोल कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति, मानव कोई चीज़ की उत्पत्ति करता है, किसी चीज़ का निर्माण करता है, उस निर्माण से लेकर वर्तमान समय तक उसके जो पर्यावरण के साथ उसका जो संबंध है इसी के अध्ययन को जो है मानव भूगोल कहते हैं। बहुत सारे और भी विद्वान हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो है व्याख्या, अपनी अपनी जो है इसकी परिभाषा अलग अलग प्रस्तुत की हुई है, कुछ हम परिभाषा और भी बताने का प्रयास करेंगे। यदि मानव भूगोल की बात करें तो आपका हंट गटन ने इसकी परिभाषा दी हुई है अपने शब्दों में, उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल जो है भौगोलिक वातावरण और मानव जो है कार्यकलाप एवं गुणों के संबंध में स्वरूप और वितरण का एक अध्ययन है, और एक जीन्स ब्रून है, उन्होंने भी अपने डिफिनेशन के माध्यम से बताने का प्रयास करे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है। तो उन्होंने कहा है कि मानव जो है मानव भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन है जो मानव के जो है क्रियाकलाप से प्रभावित है और जो हमारे ग्रह के धरातल पर जो है घटित होने वाली घटनाओं में से छाट कर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और कुमारी सिंपल ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल जो है क्रियाकलाप मानव और अस्थायी पृथ्वी के जो है परिवर्तनशील संबंधों का एक अध्ययन है। तो होता क्या है मानव भूगोल, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भूगोल की भाषा का है जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके जो है पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ह्यूमन जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है कि नगरीय अधिवास क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो भैया नगरीय अधिवास क्या होता है इसका भी हम बताने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो नगरीय अधिवास क्या होता है, यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर लें कि नगरीय अधिवास होता क्या है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे। तो नगरीय अधिवास क्या है, यदि हम नगरीय अधिवास की बात कर लें तो अधिवास पहले होता क्या है इस पर थोड़ा सा हम विशेष जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि अधिवास जब तक नहीं पता चलेगा तब तक जो है आप भी हिसाब से कह सकते हैं कि नगरीय अधिवास इसके बारे में जो है आप सही से इसके डिफिनेशन जो है नहीं कर सकते। तो अधिवास का मतलब क्या होता है, अधिवास का मतलब होता है बाद का निवास। ठीक है, अधिवास यानी बाद का निवास या फिर नागरिकता या फिर एक हिसाब से कह सकते हैं। मनुष्य की जो है तीन प्राथमिक आवश्यकता होती है, एक होती है भोजन, वस्त्र और मकान।
तो कह सकते हैं रोटी कपड़ा मकान जो है मनुष्य के हो सकता है, होती है प्राथमिक। और मकानों के जो है समूह को, मकानों के समूह को जो है बस्तियां कहते हैं, और इसी बस्तियों को जो है अधिवास कहते हैं। ठीक है, इसी बस्तियों को जो है अधिवास कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मकानों के समूहों को जो है जो मकान होते हैं उसके समूह को जो है अधिवास कहते हैं। और यदि नगरीय अधिवास की हम बात करें तो जो नगरों में अधिवास होता है, नगर जो होता है उसमें जो अधिवास होते हैं वो आपका नगरीय अधिवास कहलाता है। चलेगा, फिर भी हम बताने का प्रयास करेंगे कुछ डिफिनेशन के माध्यम से कि नगरीय अधिवास होता क्या है। यदि हम नगरीय अधिवास की बात करें तो नगरीय अधिवास जो होता है उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। और नगरीय अधिवास में जो है प्राथमिक क्रियाओं के बजाय जो है द्वितीयक एवं तृतीयक जो है क्रियाओं की प्रधानता होती है, और जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है। लेकिन नगर में जाहिर सी बात है जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता ही है ग्रामीण एरिया से। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है तथा यातायात और परिवहन साधन आदि जो है समुचित विकास होता है। और नगरीय अधिवास में जो है गांव की अपेक्षा जो है श्रम विभाजन, पैसे का जो है विशेषीकरण तथा उग्र सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। और जनसंख्या में जो है निर्भरता अनुपात कम होता है और तथा प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। ठीक है, इतना आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। ठीक है, आशा करता हूँ नगरीय अधिवास आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, आप चाहे तो इन सभी प्रश्नों को जो है अपने सीरीज या नोट्स सिलेबस में भी लगाकर प्रश्न को तैयार कर सकते हैं। इतने प्रश्न जो मैं पेपर का एक स्वरूप तैयार करके लाया हुआ हूँ, इतने क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल तैयार करके ही अपना एग्जाम देने जाना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी यूनिवर्सिटी के लिए। अगले यदि हम प्रश्न की बात कर लें तो वातावरण समायोजन क्या होता है, तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। तो समायोजन होता क्या है, तो समायोजन की हम यदि बात कर ले तो समायोजन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समायोजन जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है सम प्लस आयोजन, किससे, ये सम प्लस आयोजन जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सम प्लस आयोजन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ग्रीक के, लैटिन भाषा के। तो ये जो सम का अर्थ होता है, सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है भली भांति यानी अच्छी तरह से, या फिर सम का मतलब होता है समान रूप से। ठीक है, सम का मतलब होता है समान रूप से, और आयोजन का मतलब होता है, आयोजन का अर्थ होता है व्यवस्था करना है, यानी अच्छी तरह व्यवस्था करना, इसका अर्थ हुआ, यानी समायोजन का अर्थ हुआ अच्छी तरह वातावरण का अच्छी तरह समायोजन या फिर अच्छी तरह व्यवस्था करना ही वातावरण समायोजन कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, एक विद्वान हैं जिनका नाम है गेट्स, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि समायोजन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने जो है वातावरण के बीच जो है संतुलन संबंध जो है स्थापित रखने के लिए जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है, तो इन्होंने अपनी डिफिनेशन दी हुई है कि जो है वातावरण समायोजन होता क्या है। तो वातावरण समायोजन क्या होता है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। वातावरण समायोजन जो होता है यानी वातावरण को जो है अच्छी तरह से जो है व्यवस्था उसकी करना, यही जो है वातावरण का जो है समायोजन कहलाता है। और समायोजन का अर्थ मैंने पहले बता दिया, सम प्लस आयोजन से मिलकर बना है। सम का अर्थ होता है समान रूप से, आयोजन का मतलब होता है, आयोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं इसका अर्थ कि समायोजन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच जो है संतुलन संबंध रखने के लिए जो है अपने व्यवहार में जो है परिवर्तन करता रहता है, वही जो आपका होता है क्या कहलाता है, वातावरण समायोजन कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि दिया हुआ है, चलेगा, यानी वातावरण को जो है बचाए रखने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वातावरण समायोजन का मतलब होता है अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था करना, वातावरण के अनुकूल बनना, ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत ही आती है। बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है, कठिन प्रश्न भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आप कह दो कि भौतिक या फिर प्राकृतिक वातावरण, तो प्राकृतिक वातावरण क्या होता है, नेचर एनवायरमेंट क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल, तो ये क्या होता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो प्राकृतिक वातावरण से हमारा अभिप्राय है उन अवस्थाओं से है जिनका जो है अस्तित्व मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है और जो मानव रचित नहीं है, यानी
प्राकृतिक वातावरण जैसे, यानी मानव द्वारा इसमें कोई भी भाग मानव का इन्वॉल्व नहीं है, जो भी है प्राकृत द्वारा है, प्राकृत ने बनाया है, ठीक है, तो वही जो होता है प्राकृत वातावरण कहलाता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी परिभाषा कि प्राकृतिक वातावरण से हमारा अभिप्राय है कि उन अवस्थाओं से है जिनका अस्तित्व जो है मनुष्य के कार्यों से स्वतंत्र है, यानी मनुष्य को उसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, और जो मानव रचित नहीं है, मानव के द्वारा रचित नहीं है वातावरण, और जो बिना मनुष्य के अस्तित्व एवं कार्यों से प्रभावित हुए बिना स्वतः जो है परिवर्तित होती रहती है, जैसे कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जो है मिलकर एक जो है प्राकृतिक वातावरण को बनाते हैं। तो इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा होमो सेफियंस क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको अपने एग्जाम में। तो होमो सेफियंस क्या होता है, वैसे तो होमो सेफियंस की बात करें तो मानव की एक प्रजाति ही है। हेमो इसके दो अर्थ होते हैं, इसका एक हिसाब से देखा जाए तो हेमो प्लस सेफियंस, हेमो का अर्थ होता है मानव और सेफियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान, यानी बुद्धिमान मानव। तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है हेमो प्लस सेफियंस, हेमो का अर्थ होता है मानव और सेफियंस का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो यानी आप इसका जो है शाब्दिक अर्थ में इसका आप कह सकते हैं कि होमो सेफियंस का जो अर्थ होता है बुद्धिमान मानव, और होमो सेफियंस जो है पृथ्वी पर मौजूद सभी जो है पाइमेट्स की जो है प्रजातियां हैं जो अत्यधिक जो है विकसित और सुविकसित, और मनुष्य इसी श्रेणी में आते हैं, और मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम भी जो होमो सेफियंस ही है। इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से ये भी आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए, जनसंख्या स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, पॉपुलेशन ट्रांसफर होना चाहिए इसका इंग्लिश अनुवाद। तो भैया स्थानांतरण से जैसा कि सभी को पता भी हो, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से किसी चीज़ को दूसरे स्थान पर ले जाना, वही आपका स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर जनसंख्या की बात हुई है तो जाहिर सी बात है उसी से रिलेटेड आपको डिफिनेशन लिख देना है। कैसे लिखोगे इसकी डिफिनेशन, देखिए जनसंख्या स्थानांतरण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, जनसंख्या स्थानांतरण से अभिप्राय है किसी जनसंख्या का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो है प्रवास करने से होता है। यानी आप किसी एक क्षेत्र में रह रहे हो, इस क्षेत्र से आप जाकर किसी दूसरे क्षेत्र में आप रहने लगो, वहां के प्रवासी हो जाओ, तो ये जो है जनसंख्या स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। यदि हम साधारण शब्दों में यदि इसकी हम बात करें कि जनसंख्या स्थानांतरण क्या होता है, तो जब किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या एक विशाल मात्रा, यानी किसी एक जनसंख्या का विशाल मात्रा ज़्यादा व्यक्ति जब उस स्थान से जाकर किसी दूसरे क्षेत्र में जो है प्रवास करती है, या फिर प्रवास करने लगते हैं, वहाँ के जो है वहाँ पर रहने लगते हैं, प्रवास का मतलब होता है वहाँ पर रहने लगते हैं, उसकी नागरिकता प्रदान कर लेते हैं, तो उसको जो है जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं, ठीक है। इतनी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से ये भी आपका। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया हुआ ये भी आपका। तो अनुकूलतम जैसा कि सभी को पता भी होगा, अनुकूलतम शब्द ही एक स्पष्ट है, ठीक है, शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, यानी किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे जो है वह, यानी किसी प्रदेश की वह जनसंख्या जिसे जो है बाह्य उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जो है उच्चतम जीवन जो है स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम या फिर अभीष्ट जनसंख्या कही जाती है। यानी अनुकूलतम जनसंख्या का मतलब यह होता है किसी देश में उसकी अर्थव्यवस्था के, यानी जितने व्यक्ति है उसके फलस्वरूप उसकी उतने साधन प्राप्त हो, उसके कार्य करने का यानी उपलब्धियां उतनी प्राप्त हो, उतने संसाधन हो कार्य करने के लिए, यानी सारी सुविधाएं प्राप्त हो, तो वह जो है जितनी भी जनसंख्या हो सभी जनसंख्याओं के लिए प्रॉपर जॉब्स वगैरह सब कुछ उपलब्ध हो, ठीक है, अनुकूल हो उसके जनसंख्या के, तो वह जो जनसंख्या होती है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है, एक अच्छी जनसंख्या कहलाती है, अभीष्ट जनसंख्या कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि अधिवास की का अर्थ बताइए, अधिवास काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो अधिवास क्या होता है भैया, अधिवास होता है बाद का निवास या फिर नागरिकता, ठीक है। तो भैया अधिवास क्या होता है, मनुष्य की जो है तीन प्राथमिक आवश्यकता होती है, क्या, रोटी, कपड़ा, मकान, और इसी जो मकान होता है यानी मकानों के जो एक समूह होता है, और इन समूहों को जो है समूहों को जो है बस्तियां कहते हैं, और इसी बस्तियां का यानी जो बस्तियां होती हैं इसी बस्ती जो होती है इसी का जो पर्यायवाची है यही अधिवास है, अधिवास को ही बस्तियां कहते हैं, और ये कह सकते हो हिसाब से कि मकानों के जो समूह को जो है हम अधिवास कहते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं हिसाब से कि जो है
मकवानों में जो है एक समूह है और उसी का जो एक अंश होता है जिसको हम बस्तियाँ कहते हैं, अभी अधिवास कहते हैं। इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। अभी किसी क्षेत्र में या फिर किसी नगर के ऐसे अनेक क्षेत्र जहाँ पर जो है अधिक लोग निवास करते हो, एक बस्तियों का यहाँ पर समूह हो, वो जो है आपका कह सकते हो अधिवास कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका एकत्रीकरण दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी हम देखेंगे कि एकत्रीकरण के होता क्या है, ठीक है। तो एकत्रीकरण की यदि हम बात कर लें तो एकत्रीकरण जो है मानव का जो है प्राथमिक एवं प्राचीन व्यवसाय है, और मानव जो है अपने प्रारंभिक काल में जो है एकत्रीकरण द्वारा ही भोजन तथा वस्त्र प्राप्त करता था, और उस समय जो है मानव का जो है एकत्रीकरण के अतिरिक्त जो है कोई अन्य कोई जो है व्यवसाय नहीं था, और संसार में आज भी जो है अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर जो है मानव इस व्यवसाय से जो है के द्वारा जो है अपनी जीविका चला रहे हैं, और कुछ प्रदेशों में यह जो व्यवसाय है अपनी सीमा को जो है पाकर व्यापार के लिए जो है किया जाने लगा है, अर्थात जो है अब एकत्रीकरण के द्वारा जो है केवल भोजन और वस्त्र ही नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए जो है कुछ पदार्थों को भी इकट्ठा किया जाता है। एकत्रीकरण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकत्रीकरण, एकत्रीकरण का अर्थ होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, ठीक है। चाहे आपका भोजन की व्यवस्था हो, प्राथमिक आवश्यकता आपकी हो, प्राचीन व्यवसाय आपका हो, ये सब जो होता है एकत्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 10 नंबर, कि मानव भूगोल के उपागम क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, इसको भी हम कराने का प्रयास करेंगे कि मानव जो है मानव भूगोल के उपागम क्या है। तो मानव भूगोल के दो उपागम की बात कर ले तो इसके 4 उपागम हैं, कितने हैं, 4 उपागम हैं, कौन कौन से, एक है परिस्थितिकी उपागम, दूसरा है क्षेत्रीय या फिर स्थानिक उपागम, और तीसरा है जो है व्यवहार परक उपागम, तथा चौथा इसका जो है मानव कल्याण संबंधित उपागम। इसके जो है 4 उपागम है। यदि इसकी हम डिफिनेशन की बात कर ले तो मानव भूगोल के अंतर्गत जो है भूतल पर मानव वर्गों और उसके जो है वातावरण के जो है पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों तथा मानवीय तत्वों के जो है स्थानिक वितरण का एक अध्ययन किया जाता है, यही आपका मानव भूगोल के उपागम या फिर मानव भूगोल कहलाता है। इसके 4 उपागम है, मैंने पहले भी बता दिया, परिस्थितिकी, दूसरा क्षेत्रीय, और चौथा यानी तीसरा जो है व्यवहारक, और चौथा जो है मानव कल्याण संबंधी उपागम, ठीक है। अगले प्रश्नों पढ़ेंगे, यहाँ से फिर सेक्शन सी के हम प्रश्नों पर यानी सेक्शन बी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो मैं मॉडल पेपर तैयार करके लाया हुआ हूँ ये क्वेश्चन पेपर का ही एक स्वरूप है, ठीक है। इतने प्रश्न बिल्कुल परीक्षा के दृष्टि से देख के जाना अपने एग्जाम में देने, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन यदि हम बी की बात कर ले तो इसमें सारे प्रश्न आपको करने नहीं रहते हैं, केवल 4 ही प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना रहता है, टोटल आपके 7 प्रश्न दिए रहते हैं, मैं 7ों प्रश्न कराने का प्रयास करूंगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन इसमें कहा जो है कि मानव भूगोल, जैसा कि आपका पेपर का नाम ही आपका ह्यूमन ज्योग्राफी है, तो मानव भूगोल की परिभाषा, इसका अर्थ, इसका विषय क्षेत्र, ये तो 100% आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो 10 से 15 नंबर यही क्वेश्चन आपको अपने पेपर में पूरे के पूरे देखे जाएगा। तो मानव भूगोल की परिभाषा तो आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है पहले से ही, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो चलिएगा, मानव भूगोल की हम जो है डिफिनेशन देखेंगे। वैसे तो मानव भूगोल की मैंने डिफिनेशन पहले भी दे दी है, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी जो है प्रस्तुत की है डिफिनेशन। तो मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो है उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का जो है अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ठीक है। इसकी बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग भी डिफिनेशन दी हुई है, कुछ और भी हम डिफिनेशन इसकी देखेंगे जो कि दी हुई है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें जो है पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है, सब अलग अलग डिफिनेशन दी हुई है। और यदि इसकी हम विषय क्षेत्र की बात कर लें, इतनी आपको डिफिनेशन लिख देनी है जो मैंने बताई है कि मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है, ठीक है। और इसके हम यदि हम बात कर ले कुछ इसके विषय क्षेत्र की यदि हम चर्चा करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है ये, चलेगा। इस पर थोड़ा हम विस्तार से भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक अमेरिका के एक विद्वान है, उन्होंने कहा है कि पृथ्वी में जो है
अनेक प्रकार के जो है लोग निवास करते हैं और जिनकी जो है आकृत वस्त्र आचार विचार तथा आदर्श में जो है भारी अंतर मिलता है और जो है आकृत एवं जो है वर्ण का अंतर जैविक होता है, किंतु जनसंख्या के घनत्व सभ्यता एवं मानसिक क्षमता पर जो है प्राकृतिक वातावरण का जो है परोक्ष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अपने डिफेंसर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है ह्यूमन जियोग्राफी को। तो इसके हम विषय क्षेत्र पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो इसके हम विषय क्षेत्र की बात कर लें तो फ्रांसीसी जो है भूगोलवेत्ता बूंस थे। उन्होंने महोदय ने अपने जो है मानव भूगोल के तत्वों का वर्गीकरण जो है मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर मानकर किया और उन्होंने जो है मानव भूगोल की जो है विषय वस्तु का जो है वर्गीकरण दो आधारों पर किया। ठीक है, इसका वर्गीकरण जो है इसका विषय वस्तु जो है दो वर्गों पर इसको आधार को बनाया। उन्होंने कहा पहला आधार बताया कि सभ्यता के विकास के आधार है और दूसरा जो है संस्कृत तत्वों के विस्तार के आधार है। इन्होंने दो इसको आधारों में विभाजित किया। पहला था सभ्यता का विकास पर आधारित वर्गीकरण और दूसरा जो था वो था सांस्कृतिक तत्वों के विस्तार के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो इन दोनों की डिफिनेशन आपको देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। आप चाहे तो इसकी डिफिनेशन जो है आप लिख भी सकते हैं। वैसे तो मानव भूगोल की डिफिनेशन तैयार करना है, कुछ और भी विद्वान दिए हुए हैं जिसके माध्यम से उनकी भी डिफिनेशन आपको लिख देना है। जैसा कि आपका हार्टिकटन ने इसकी डिफिनेशन दी हुई है, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो है भौगोलिक वातावरण और मानव कार्यकलाप एवं गुणों के संबंध एवं स्वरूप का वितरण का एक अध्ययन है और एक जीन्स बूंस है। उन्होंने भी इसकी डिफिनेशन के माध्यम से कहा है कि मानव भूगोल उन सभी तत्वों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलाप से प्रभावित और जो हमारे ग्रह के धरातल पर घटित होने वाली घटनाओं में से छाट कर एक विशेष श्रेणी में जो है रखे जा सकते हैं, मानव भूगोल कहलाती है। एक कुमारी जो है सैंपल है, उन्होंने अपनी डिफिनेशन दी हुई है। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो है क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के जो है परिवर्तनशील संबंधों का एक अध्ययन है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है। दो चार काम को नाम छोड़ छोड़ कर उसके अंतर्गत भी आपको लिख देना क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से ये 7 से 10 नंबर में पूछा गया, 6 नंबर में पूछा गया, तो थोड़ा सा आपको हाई भी तो लिखना पड़ेगा ही, कम से कम 150 से लेकर 200 वर्डों में। इसलिए बना बना कर आपको लिख देना है, जो पहले मैंने डिफिनेशन बताई है उसको पहले लिख देना है, बात को बना बना कर उसके अंतर्गत आपको लिख देना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बना बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप शुरुआत की उसकी जो डिफिनेशन होती है उतना ही आपको एग्जामिनर चेक करेगा, इसलिए शुरुआत की उसकी जो मेन डिफिनेशन होती है उसको जरूर आपको सही से लिखना है। बाद में आप बना बनाकर भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो आपको नहीं आता है कदे क्वेश्चन तो उनको भी आप बनाकर ही लिखिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं। जिस भी सेक्शन में जितने प्रश्न कहे उतने तो कंपलसरी आपको तैयार करके उनके प्रश्नों को जरूर चाहे बनाकर ही क्यों ना लिखना पड़े उनको जरूर करके ही आइएगा, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं अपने एग्जाम में। तो मानव भूगोल क्या होता है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। मानव भूगोल जो है भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक जो है उसके पर्यावरण के साथ जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है, ह्यूमन जियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है, चलेगा। मानव भूगोल के विकास को संक्षेप में लिखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी प्रश्न जो है पिछले साल रिपीट हुआ है। तो मानव भूगोल का जो है कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलेगा इसको भी देखेंगे। ये आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, चलेगा हाँ, मानव भूगोल के जो है विकास को जो है संक्षेप में आपको लिखना है। तो भैया मानव भूगोल के कौन कौन से विकास है, तो इसकी यदि हम बात कर ले तो मानव भूगोल के जो है विकास का जो है श्री गणेश 19वीं जो है शताब्दी में हुआ था इसका विकास। और इस शताब्दी में जो है अनेक भूगोल यानी भूगोलवेताओं का जो है जन्म हुआ जिन्होंने जो है मानव भूगोल का जो है उत्थान में विकास के लिए जो है अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और वर्तमान समय में जो है भूगोल के जन्मजात जो जन्मदाता हैं वो जर्मन विद्वान जो है फ्रेडरिक रटजेल हैं। तो भैया मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, तो कौन है, फ्रेडरिक हैं। यदि इसके हम परिभाषाओं की बात करें तो इसका विकास कैसे है, तो बहुत सारे विद्वानों ने जो है मानव भूगोल की परिभाषा के माध्यम से इसका विकास का जो है बताने का प्रयास करा है और फ्रेडरिक ने भी इसकी डिफिनेशन दी हुई है। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के जो है दृश्य जो है सर्वत्र वातावरण से जो है संबंधित होते हैं जो कि जो है स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। ठीक है, एक जोड़ है। तो वैसे तो इसके क्षेत्र को जो है देख लेना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से ये क्वेश्चन जो है आपको अपने एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो मानव भूगोल
वैसे तो आप चाहे तो ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या है, आप चाहे तो वही डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, इससे क्या विकास हुआ है मानव को, ये आप बना बना कर लिख देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि मानव भूगोल जो है मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधित जो है पराकेत और उसके जो है विवरण का एक अध्ययन है। इसमें जो है मानव भूगोल के माध्यम से मानव का विकास भी हुआ है, ठीक है, संसाधनों का भी विकास हुआ है, मानव को ज्ञात भी हुआ है, इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त हुई है। तो ये सब जो है बना बनाकर आप लिख को लिख देना है। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि निश्चयवाद की संकल्पना को स्पष्ट कीजिएगा। तो निश्चयवाद क्या होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपका है। तो निश्चयवाद की यदि हम बात कर लें तो ये होता क्या है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे कि निश्चयवाद होता क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन है, हाँ निश्चयवाद क्या होता है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे। तो निश्चयवाद होता क्या है, इस पर भी थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि निश्चयवाद का एक सिद्धांत आप ये क्वेश्चन पूछेगा कि रुको जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत कीजिए, रुको और जाओ निश्चयवाद का सिद्धांत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। निश्चयवाद की बात आएगी तो आपको क्या लिखना है कि निश्चयवाद की जो है विचारधारा के जो है प्रमुख समर्थक जो है ग्रिफिन टेलर थे। निश्चयवाद के जो समर्थक थे इस सिद्धांत के कौन थे, जो है ग्रिफिन टेलर थे। उन्होंने जो है अपने निश्चयवाद को जो है वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी, और यह जो है पुराने निश्चयवाद से भिन्न है। इसमें जो है प्रत्येक दशा में मानवीय जो है कह सकते हो छाट का महत्व भी जो है शामिल है, और जो है नव निश्चयवाद की जो है विचारधारा को स्पष्ट करते हुए गिफिन टेलर ने लिखा है कि प्राकृत जो है कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करती है, प्राकृत जो है कार्यक्रमों की एक रूपरेखा तैयार करती है और शेष सब मनुष्य द्वारा जो है निश्चित होता है, और यदि मनुष्य जो है बुद्धिमान है तो वह वही वातावरण के अनुसार ही कार्य करेगा जिसमें उसको जो है सफलता मिले, किंतु वातावरण के विपरीत चलकर मनुष्य जो है कुछ उपलब्ध नहीं कर सकता है। और गिफिन टेलर ने जो है नव निश्चयवाद को जो है रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी, और गिफिन टेलर का जो है स्टम्प एंड गो जो है एक संशोधन नियतवादी जो है जिसने जो है टेलर द्वारा जो कहा गया है कि मनुष्य को जो है वातावरण का स्वामी, मनुष्य को जो है वातावरण का स्वामी ना स्वीकार करके उसकी जो है तुलना किसी नगर के जो है चौराहे पर खड़े हुए नियंत्रण कर रहे सिपाही की से की जा सकती है, क्योंकि जो सड़क मार्ग पर चलने वाले वाहनों को के चलने की गति को जो है मंद एवं तीव्र जो है अपनी इच्छा अनुसार कर सकता है, परंतु जिस दिशा में जो है वाहन जाना चाहता है उसके विपरीत दिशा में वाहनों को भेजने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। निश्चयवाद की संकल्पना आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाद होता क्या है। निश्चयवाद के जो विद्वान थे, इसके सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे ग्रिफिन टेलर थे, उन्होंने यही कहा है कि जो है उन्होंने एक कह सकते हो एक वैज्ञानिक जो थे आपके ग्रिफिन टेलर, उन्होंने कहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा इसको दी, और उन्होंने कहा कि और नव एक ये तो आपका निश्चयवाद हुआ, और नव निश्चयवाद की भी विचारधारा को जो है स्पष्ट करते हुए ग्रिफिन टेलर ने लिखा है कि जो है प्राकृत कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा तैयार करती है और शेष जो है सब मनुष्य द्वारा जो है निश्चित होता है। यदि मनुष्य जो है बुद्धिमान है तो वह जो है वातावरण के अनुसार ही कार्य करेगा। ग्रिफिन टेलर ने जो है इसकी जो है संकल्पना निश्चयवाद की जो है प्रस्तुत करते हुए उन्होंने लिखा है कि यदि जो है मनुष्य बुद्धिमान है तो वह जो है वातावरण के अनुसार ही कार्य करेगा, यदि आदमी विद्वान है तो वह वातावरण के अनुकूल ही उसके अनुसार ही कार्य करेगा जिसमें जो है उसको सफलता भी मिलेगी, किंतु वातावरण के विपरीत चलकर मनुष्य को जो है कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता है। उन्होंने जो है ग्रिफिन ने अपने जो है इस सिद्धांत में इन बातों को जो है स्पष्टता से कहा है, यही आपको अपने एग्जाम में लिख देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पार्थिक एकता का सिद्धांत आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से, इसको तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। आपका 4 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पार्थिक एकता का सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलेगा इसको भी हम देखेंगे। तो भैया पार्थिक एकता का सिद्धांत क्या है, तो इसकी हम बात कर ले तो जर्मन जो है एक भौगोलिक थे आपका हम्बोल्ट, इन्होंने जो है पार्थिक एकता के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया, और बाद में जो है कार्ल रेटर, रेटजेल और सेम्पोल आदि जो है ब्लाब्स आदि जो विद्वान थे इस सिद्धांत का जो है समर्थन किया। और इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के समस्त भौगोलिक तथ्य चाहे वे
जड़ अथवा चेतन है, एक दूसरे से जो है आपस में संबंधित होते हैं, और इनमें से जो है किसी भी तत्व का जो है स्वतंत्र रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, और भूपटल बाह्य विषमता के जो है बावजूद उसके जो है सभी तत्व जो है पारस्परिक अंतर संबंधित होते हैं। तो पार्थिक एकता की एकदम सिद्धांत यही बताता है कि पार्थिक एकता का सिद्धांत जो है इसको किसने प्रतिपादित किया। एक वैज्ञानिक थे, एक भौगोलिक थे, इनका नाम था हुम्बोल्ट। उन्होंने जो है अपनी ग्रंथ जो है कास मास में जो है पृथ्वी को जो है एक जैविक तथा अभिव्यक्त इकाई मानते हुए लिखा है कि समस्त विश्व में जो है एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जो है एक ही आत्म व्याप्त है, और एक ही जो है जीवन पत्थरों पौधे जानवर और यहाँ तक कि जो है स्वयं मनुष्य भी जो है प्रवेश के लिए जो है मिलता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है एक और भी पुस्तक उनकी है एंथ्रोपोलियोग्राफी, उसमें भी उन्होंने जो है रटजेल ने जो है स्थानीय स्तर पर जो है पार्थिक एकता की जो है विचारधारा का जो है समर्थन किया। और उन्होंने कहा है कि संपूर्ण रूप से जो है उन्होंने पृथ्वी को जो है मानते हुए उसमें जो है एकता का जो है अनुभव किया। और उन्होंने बताया कि भूपटल पर जो है मानवीय क्रियाओं का अध्ययन भौगोलिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है, और इस अध्ययन से में जो है पृथ्वी के जो है विभिन्न तत्वों के पारस्परिक वातावरण के संदर्भ में किया जाता है। और जो है कह सकते हैं कि इस अध्ययन में जो है उन्होंने कहा कि पृथ्वी के विभिन्न यानी तत्वों के पारस्परिक संबंधों पर बल दिया, और जिसमें जो है भौगोलिक एकता के दर्शन होते हैं। तो बहुत सारे विद्वान थे, अलग अलग डिफिनेशन इसकी दी हुई है पार्थिक एकता की। एक सैंपल विद्वान है, उन्होंने कहा है कि मानव के जो है विभिन्न क्रियाकलाप का जो है अध्ययन वैज्ञानिक रूप से उस पृथ्वी के बिना नहीं किया जा सकता है, और नहीं किया जा सकता है जिस पर वह जो है खेती करता है, यात्रा करता है, या फिर समुद्रिक व्यापार करता है। सभी अपनी अलग अलग डिफिनेशन दी हुई है अपने विचारों के माध्यम से, आपको लिख देना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन भी 5 नंबर है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो 5 नंबर की हम प्रश्न की बात करें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो विश्व में जनसंख्या को प्रभावित करने वाले यह कारक कौन है, तो यदि इसकी हम बात कर लें तो वैसे तो देखा जाए तो भूगोल के अध्ययन में जो है मानव और उसकी जो है संख्या केंद्रीय तत्व है, और मानव की संख्या संस्कृत और जो है अन्य सबसे जो है महत्वपूर्ण संसाधन भी है, और बिना मनुष्य के जो है पृथ्वी संसाधन विहीन है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताओं एवं उपयोग के संदर्भ में जो है कोई तत्व जो है दशा वस्त्र संसाधन बनती है, और मनुष्य जो है उत्पादक और विनिमयकर्ता एवं उपभोक्ता भी है, अतः जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है कारक भी है मनुष्य। तो यदि हम विश्व में जनसंख्या वितरण की यदि हम इसकी बात करें तो विश्व में जनसंख्या का लगभग जो है 500 करोड़ से अधिक है। तो विश्व में जनसंख्या कितनी है, 500 करोड़ से अधिक है, परंतु इस संख्या का वितरण जो है सर्वत्र समान नहीं है। 90% जो है जनसंख्या विश्व के जो है केवल जो है 10% भाग पर निवास करती है, और इस 90% जनसंख्या का भी जो है अधिकांश भाग जो है केवल 4 क्षेत्रों यानी क्षेत्रों में ही केंद्रित है, और ये क्षेत्र जो है पूर्वी एशिया है, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी एशिया और यूरोप, और पूर्वी जो है अमेरिका है, और दूसरी ओर जो है विश्व का अधिकांश भूभाग जो है जनरिक्त है, और अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र एवं जो है जनरिक्त भूभागों के मध्य जो है बहुत से जो है अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र भी हैं। तो आपको देख लेना है इसके जो है कारक कौन कौन से हैं वितरण के, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से। तो इसके कारक बहुत सारे हैं, जैसे कि प्राकृतिक तत्व हो गए और प्राकृतिक संसाधन हो गए, ये सब इसके कारक हैं। मनुष्य की वैज्ञानिक तकनीक उपलब्धियाँ, ऐतिहासिक कारक, मानवीय यानी विशेषताएँ, राजनीतिक कारक, ये सब इसकी जो है कह सकते हैं हिसाब से इसके जो है कारक है, आपको बना बना कर लिख देना है इसके अंतर्गत। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है 6 नंबर कि मानव अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूपों का आपको वर्णन करना है। तो मानव अधिवास, मैंने अधिवास पर जो है पहले ही मैंने विस्तार से आपको बताया हुआ है कि अधिवास क्या होता है। ठीक है, अधिवास होता है बस्तियाँ यानी किसी समूह यानी यानी बस्तियों के समूह को जो है अधिवास कहते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर की यदि हम क्वेश्चंस की यदि हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से, इसको भी हम थोड़ा सा विस्तार से यहाँ से चर्चा करेंगे इसके बारे में भी पुनः, क्योंकि परीक्षा में पूछा भी गया था पिछले साल भी, क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा हम विशेष से फिर चर्चा करेंगे। तो
वैसे तो इस पर जो है आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये होता क्या है, मनुष्य जो है, वैसे तो अधिवास की बात आई है तो मनुष्य जो है कि तीन प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, और मकानों का एक जो समूह होता है उसके उसको बस्तियां कहते हैं, और बस्तियों को ही जो है अधिवास कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मकानों के समूह को जो है अधिवास कहते हैं। आप चाहे तो किसी तरह इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, बहुत ही साधारण शब्द है, ठीक है। इसके हम बात करें इसके प्रकारों के, इसके प्रतिरूपों के, तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, जैसा कि बिखरे एवं एकाकी अधिवास, ठीक है। तो बिखरे अधिवासी एकाकी कह सकते हो, बिखरे अधिवास, और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे अधिवास आते हैं, एक ग्रामीण अधिवास भी है, ग्रामीण का अधिवास, संयुक्त अधिवास, ये सब इसके अधिकार के जो है अधिवास के प्रकार है। सामूहिक अधिवास यानी जहाँ सामूहिक अधिवास रहते हैं, ठीक है, सामूहिक बस्तियाँ वगैरह हुए अधिवास कहलाते हैं। ये सभी चीज़ें हैं, आपको इसके बारे में देख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ बुशमैन अथवा जो है एस्किमो के निवास क्षेत्र पर आपको जो है प्रकाश डालना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी थोड़ा सा जो है इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आप चाहे तो सभी प्रश्नों को जो है उत्तर लगाकर भी तैयार कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये होता क्या है, पहले जो है हम बुशमैन निवास क्षेत्र पर थोड़ा चर्चा करेंगे कि बुशमैन होता क्या है, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लें बुशमैन की, ये क्या होता है, ठीक है। तो बुशमैन प्रजात क्या होती है, तो बुशमैन जो होती है इसका निवास क्षेत्र जो होता है, इसका निवास क्षेत्र होता है बुशमैन जो है ये दक्षिणी जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाले एक जो है खानाबदोश जनजाति है। ये बुशमैन क्या है, खानाबदोश जो है जनजाति है जो अफ्रीका के जो है कालाहारी मरुस्थल में रहती है, और जो मुख्यतः जो है 18 दक्षिणी आकांक्षा से जो है 27 दक्षिणी आकांक्षा के मध्य जो है बेचुआनालैंड नामक जो है देश की उत्तरी पश्चिमी भाग में केंद्रित है। वर्तमान में जो है बुशमैन जनजाति के लोग जो है जनसंख्या लगभग 5,000 से भी कम रह गई है, इसकी जनसंख्या बहुत ही कम रहेगी हिसाब से देखा जाए तो, विलुप्त हो रही है धीरे धीरे बुशमैन प्रजात की, ठीक है। फिर एस्किमो निवास इसका क्षेत्र पर थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। तो इसका जो निवास है वो है ध्रुवीय जलवायु वाले जो है शीत प्रधान क्षेत्रों में रहने वाले जाति हैं, और विश्व जो है मानचित्र पर जो है एस्किमो के निवास क्षेत्र निम्न है, जैसे कि वातावरण जो है प्राकृतिक वातावरण और भौगोलिक आर्थिक व्यवसाय, ये सब इसके अलग अलग शीतकालीन आखेट, ये सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं इस प्रजाति जो है के व्यक्ति, तो आपको देख लेना इसका। फिर यहाँ से हम सेक्शन सी की भी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे। तो सेक्शन सी की यदि हम बात करें तो मानव भूगोल की नियतवादी संकल्पना का आपको वर्णन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो मानव भूगोल की जो है नियतवादी संकल्पना क्या है भैया, इसको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा सरल शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में। तो मानव भूगोल की जो है नियतवादी संकल्पना क्या है, तो नियतवादी की हम बात कर ले तो नियतवादी से अभिप्राय है कि मानव का जो है विकास उसमें जो है भौतिक वातावरण द्वारा होता है, मानव का जो विकास है भौतिक वातावरण द्वारा होता है, और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वातावरण की शक्तियाँ मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, क्रियाकलाप आदि को जो है नियंत्रित करता है वातावरण, और वातावरण की शक्तियाँ जो है नगण्य होती हैं, और मनुष्य तो केवल जो है उसका दास है, ऐसी विचारधारा वाले विद्वान को जो है नियतवादी तथा उसकी विचारधारा को नियतवाद के नाम से भी जाना जाता है। ये सब विचारधारा जो होती हैं ये सब जो है नियतवादी कहलाती हैं, यही इसकी संकल्पना थी। इतनी ही आपको डिफिनेशन लिख देना है, वैसे तो लॉन्ग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा विस्तार से भी आपको बना बना कर भी लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर दिया हुआ है कि मानव भूगोल में जो है संभववाद क्या होता भैया, तो संभववाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो संभववाद की यदि हम बात कर ले तो संभववाद का जो प्रतिपादन किया था इस विचारधारा का एक फ्रांसीसी जो है भूगोल एक भूगोलिक थे जिनका नाम था फेबरे। फेबरे ने जो है सन 1925 ईस्वी में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसकी संकल्पना का, और उन्होंने अपने विचारधारा में कहा कि पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के वातावरण के जो है क्षेत्र हैं, और प्रत्येक प्रकार का वातावरण उस क्षेत्र में जो है मानव के निवास के लिए जो है तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की जो है कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है, और जो है प्राकृतिक वातावरण द्वारा जो है दी गई संभाव जो है भाव संभावनाएं को जो है मानव अपनी जो है कह सकते हो एक
अपने अनुसार जो है प्रयोग करके अपने जीवन व्यवस्था का जो है एक स्वरूप निश्चित करता है, और यही संभववाद के सिद्धांत का जो है अर्थ है। इतनी आपको लिख देना है। डिप्रेशन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर जनाधिक्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि जनाधिक्य की अवधारणा, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये 3 नंबर क्वेश्चन है कि जनाधिक्य क्या होता है, इसको भी देखेंगे। तो जनाधिक्य क्या होता है इसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे वीडियो के माध्यम से। यह क्वेश्चन आपका था, चलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जनाधिक्य आपका पूछा है, इसको भी हम देखेंगे कि जनाधिक्य होता क्या है। तो जनाधिक्य की यदि हम बात कर ले तो किसी यदि किसी देश की जनसंख्या जो है अधिक हो, जनाधिक्य क्या होता है, यदि किसी देश की जनसंख्या अधिक हो, संसाधनों की उपलब्धता कम हो, यानी किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा हो, उसकी ज़रूरतों की सामग्री कम हो, अथवा यदि किसी देश की जनसंख्या जो है वृद्धि उस देश की संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो, तथा तृतीय सेवाओं की तुल यानी वृद्धि तकनीक विकास की तुलना में कम हो, ऐसी व्यवस्था जनाधिक्य कहलाती है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में जो है प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, तो वह जनाधिक्य का क्षेत्र कहा जाएगा। जनाधिक्य क्षेत्र से जनसंख्या का उपलब्ध संसाधनों के मध्य जो है असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जनाधिक्य की अवधारणा ये है कि जिस देश में जहाँ भी जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ संसाधनों की जो है उपलब्धता कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। ये जो है सिद्धांत के माध्यम में, इस सिद्धांत का, इस संकल्पना का के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो जनाधिक्य क्या है, यानी जिस किसी भी देश की जनसंख्या का यदि अधिक हो तो संसाधनों की उपलब्धता कम है, कम हो जाएगी, अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक हो तो तृतीयक सेवाओं की वृद्धि जो है तकनीक विकास की तुलना में कम हो जाएगी, और ऐसी भी जो है व्यवस्था होती है जनाधिक्य कहलाती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में जो है जनसंख्या में वृद्धि होने से उस क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, यानी किसी देश में या फिर किसी क्षेत्र में जनसंख्या किसी क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है तो वह जनाधिक्य कहलाती है। ठीक है, इतनी आपको डिफिनेशन लिख देना है, बात के बना बनाकर आपको भर देना है, 500 वर्ड, 200 वर्ड, 2-3 पेज आपको बनाकर लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट में दिया हो कि थारू जनजात और मसाई जनजात क्या है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। भैया थारू जनजात क्या होती है और मसाई जनजात क्या होती है, इस पर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। चलेगा, थारू जनजात क्या होती है, तो वैसे तो पहले थारू जनजाति हुई, इसके बाद मसाई जनजाति के बारे में हम देखेंगे तो ये होती क्या है। चलेगा, तो थारू जनजात की यदि हम बात कर ले तो थारू जनजात जो है का निवास क्षेत्र जो है उत्तराखंड के जो है तराई प्रदेश के पश्चिमी भाग में जो है नैनीताल जिला व उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी से लेकर गोरखपुर और नेपाल की सीमा तक फैला है, और यह क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत पदीय शिवालिक क्षेत्र में जो है नैनीताल गोंडा खीरी गोरखपुर पीलीभीत बहराइच और बस्ती जिले में है, और थारू जनजात का सबसे अधिक जो है जमाव नैनीताल जिले में जो है बिलहरी परागना की जो है नामक माता यानी पिलपुरी नामक जो है टनकपुरी बस्तियों में जो है आसपास पाया जाता है इसका ज़्यादा निवास। तो ये हो गया आपका थारू जनजात। और मसाई जनजात क्या होता है, तो मसाई जनजात की यदि हम बात करें तो मसाई जनजात जो होती है, मसाई जनजात की यदि बात करें तो ये जो है समूह जो है मसाई जनजात का, ये अफ्रीका महाद्वीप के जो है पूर्वी घास के मैदान भागों में निवास करने वाला जो है वाले एक लोग हैं, और ये जो लोग हैं भूमध्य सागरीय जो है सम्मिश्रित यानी स्वरूप एवं जो है भिन्न जातियाँ लक्षण वाले जो है, और मसाई जनजात का निवास क्षेत्र जो है एक अक्ष जो है उत्तरी अक्षांश व 5 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो है एलेगन पर्वत की जो है ऊंचाई तक फैला हुआ है, इसके बारे में आपको लिख देना है। इतने ही क्वेश्चन थे, परीक्षा के दृष्टि से सारे महत्वपूर्ण हैं, ये पेपर का स्वरूप है, ऐसे प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको भी जरूर आपको रट के ही जाना है। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।